टीवी शो इंडियन आइडल 12 इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है। एक ओर जहां शो के कंटेस्टेंट्स अपनी आवाज के जादू से जज और दर्शकों का दिल जीत रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड की वादियों से आए पवनदीप राजन ना सिर्फ अपनी गजब के सिंगिंग टैलेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए चर्चा में हैं, बल्कि को कंटेस्टेंट अरुणिता कांजीलाल संग रिलेशनशिप की खबरों को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है कि पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों साथ में वक्त भी बिताते हैं। इस मामले पर अब पवनदीप ने सफाई दी है। bollywoodlife.com की रिपोर्ट के मुताबिक पवनदीप राजन ने कहा कि मैं और अरुणिता सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और दोनों की जोड़ी दर्शकों को पसंद है। हमारा जो रिलेशनशिप है वो ये है कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये सिर्फ दोस्ती है और इसे कुछ और नाम मत दीजिए। शो में कंटेस्टेंट पवनदीप ने सब पर अपना जादू सा कर दिया है। जानिए कौन है ये जिनकी आवाज से कायल वीरेंद्र सहवाग और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हो चुके हैं। पवनदीप राजन को म्यूजिक विरासत में मिला है। पवनदीप ने 2015 में रियलिटी शो वॉइस इंडिया सीजन 1 भी जीता था। वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और कई मराठी और पहाड़ी फिल्मों में भी म्यूजिक दे चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग से लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी उनके गाने की तारीफ की थी। पवनदीप के पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही म्यूजिक सिखाया। दादा सरस्वती राजन भी अपने समय के प्रसिद्ध लोक गायक थे। मात्र 24 साल की उम्र में ही पवनदीप राजन को ऐसी बड़ी उपलब्धियों के कारण उत्तराखंड सरकार ने यूथ एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड के खिताब से भी सम्मानित किया था। इधर अरुणिता बंगाली हैं और पवनदीप पहाड़ी, लेकिन दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री फैंस को खूब भाती है। उनकी दोस्ती और रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में दावे किए गए हैं कि अरुणिता की वजह से पवनदीप राजन अपने परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पवनदीप ने इससे इनकार किया। इसे टीआरपी के लिए मेकर्स की ओर से एक कोशिश भी बताया गया, लेकिन पवनदीप की सफाई के बाद अब देखना होगा कि मेकर्स की ये ट्रिक काम करती है या नहीं। न रुके न थके न चुके और आज दोबारा आ गए। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी तो अभी क्या बताऊंगा। जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्कत होती है, ये आप खुद नोटिस कीजिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके।